दोस्तों एक मस्कुलर बॉडी तब दिखती है जब आपके कंधे चौड़े हों। अगर आपके कंधे चौड़े होंगे तो आप स्मार्ट दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे। आपके शोल्डर अच्छे नहीं हैं, अगर चौड़े नहीं हैं तो कपड़े भी आप पर अच्छे नहीं लगेंगे। आप टी शर्ट पहनोगे, आपके शोल्डर फिट नहीं आते तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी मस्कुलर दिखे, आप स्मार्ट हैंडसम दिखें, आप टी शर्ट में अच्छे लगें, तो कंधे चौड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी मस्कुलर दिखे, आप स्मार्ट हैंडसम दिखें, कपड़ों में टी शर्ट में आप अच्छे लगें, मस्कुलर बॉडी लगे, तो आपके कंधे चौड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके कंधे बहुत जल्दी चौड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर मसल के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी भी मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस मसल के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि उस मसल को फील कर सको और आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छी तरह बन सके और आपके मसल तेजी से ग्रो हो सके। तो फ्रेंड्स शोल्डर के 3 मसल पार्ट होते हैं। शोल्डर के फ्रंट पार्ट को एंटीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं, बीच के पार्ट को यानी कि साइड के पार्ट को मिडल डेल्टॉइड और पीछे के पार्ट को पोस्टीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स शोल्डर के हमारे 3 मसल्स पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो आज हम इन 3 मसल्स को ट्रेन करेंगे ताकि हमारे शोल्डर एक अच्छी शेप में आ सकें, 3D शोल्डर बन सकें। तो चलिए बात करते हैं उन एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1 मिलिट्री प्रेस। दोस्तों ये शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। आप इसे ओलंपिक बार पे कर सकते हैं, शोल्डर बार पे कर सकते हैं या स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हैं। इसमें रॉड को शोल्डर विथ के थोड़ा बाहर से पकड़ें। आपके शोल्डर ब्लेड बैक एंड जॉइन होने चाहिए। जब बार को नीचे लाएं तो सांस अंदर लें और ऊपर लेके जाएं तो सांस बाहर छोड़ें। बार को धीरे धीरे नीचे लाएं और अपनी चिन से थोड़ा नीचे तक लाएं, अपनी चेस्ट तक लेके आएं लगभग। शोल्डर को अच्छे से नीचे स्ट्रेच करें और बार को पूरा ऊपर लेके जाएं, ऊपर शोल्डर को स्क्वीज करें। इस एक्सरसाइज से एंटीरियर डेल्टॉइड यानी कि फ्रंट शोल्डर तेजी से बड़े बनते हैं। इसके 4 सेट लगा सकते हैं, हर सेट में 8 से 12 रेपिटेशन तक लगाएं और हर सेट में कुछ ना कुछ वेट जरूर बढ़ाएं। एक्सरसाइज नंबर 2 डंबल साइड रेज। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी चौड़ी दिखे तो ये 1 ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि देखिए अगर आपके कंधे दोनों तरफ से 1-1 इंच चौड़े हो जाएंगे तो आपकी बॉडी चौड़ी दिखेगी, आप पे कपड़े टी शर्ट अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस ना करें, इससे शोल्डर भी बनेंगे, आपकी बॉडी चौड़ी भी दिखेगी। दोस्तों ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें ज़्यादा हैवी डंबल का इस्तेमाल ना करें। शोल्डर ब्लेड बैक एंड जॉइन होने चाहिए। जब डंबल ऊपर लेके जाएं तो सांस बाहर छोड़ें, नीचे लेके आएं तो सांस अंदर लें। डंबल को शोल्डर लेवल तक ही लेकर जाएं, इससे ऊपर लेकर न जाएं, उससे शोल्डर की इंजरी हो सकती है और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए जब डंबल ऊपर लेके जाएं तो लेटरल डेल्टॉइड यानी कि साइड शोल्डर को फील करें, उसे स्क्वीज करें और जब नीचे लाएं तो अच्छे से स्ट्रेच करें। आप इसके भी 4 सेट 10 से 15 रेपिटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रंट प्लेट रेज। आप इसकी जगह डंबल का यूज भी कर सकते हैं, पर प्लेट से चीट कम होता है, मसल टेंशन बनी रहती है, इससे कोर भी मजबूत होता है, एब्स भी निकलने लगते हैं। इसमें भी स्ट्रेट खड़े हों, आपका पेट बिल्कुल टाइट होना चाहिए। प्लेट ऊपर लेके जाएं तो फ्रंट शोल्डर को स्क्वीज करें, उसे फील करें। प्लेट नीचे लाएं तो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लाएं, नीचे शोल्डर को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इससे आपके फ्रंट शोल्डर यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड ट्रेन होते हैं। इसके भी 4 सेट 10 से 15 रेपिटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 रिवर्स पैक डेड फ्लाई। ये चेस्ट फ्लाई की मशीन ही होती है। इसमें आपने ये जो हैंडल है उसे इस तरह सेट करना है। इसमें भी अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखें और हैंडल को जब पीछे लेकर आएं तो पीछे शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करें, 1 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे वापस आगे लेके जाएं। ये एक्सरसाइज आपके पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल्स तीनों के लिए बहुत अच्छी है। इसके भी 4 सेट 15 से 20 रेपिटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 बारबेल शेक्स। दोस्तों इसमें आप बार का यूज़ कर सकते हैं, डंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जब डंबल या बार को ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह ऊपर शोल्डर को स्क्वीज़ करें, शोल्डर को कानों तक लेके जाएं और फिर वापस नीचे लेके आएँ तो शोल्डर को अपने ट्रैप्स मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करें। इससे ट्रैप्स मसल्स बड़े बनते हैं, कॉलर बड़े बनते हैं, ट्रैप्स का साइज तेज़ी से बढ़ता है। आप इसके भी 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 अपराइट रो। दोस्तों इसमें बार को अपने शोल्डर विथ के थोड़ा सा बाहर से पकड़ें, बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें आप ओलंपिक बार या बाइसेप्स कर्ल वाली बार कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब बार को ऊपर लाएं तो याद रहें कि आपकी एल्बो आपकी रिस्ट से ऊपर होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके लेटरल डेल्टॉइड और ट्रैप्स के लिए बहुत अच्छी है। ट्रैप्स भी बड़े बनते हैं और साइड शोल्डर भी यानी कि मिडल शोल्डर भी बड़े बनते हैं, आपकी बॉडी चौड़ी दिखती है। इसके भी 4 सेट लगा सकते हैं, हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है शोल्डर की टॉप 6 एक्सरसाइज
जिसे अगर आपने 3 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपके शोल्डर बड़े ब्रॉड चौड़े बन जाएंगे। इस वर्कआउट को आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो शोल्डर के वर्कआउट पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ। टिल देन बाय बाय।